हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, यह है सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें देखेंगे तीन घटनाएं वो कौन सी हैं जो आप लोगों की राशि में घटित होकर ही रहेंगी। ये रीडिंग जनरल होगी और साथ ही साथ ये राशि के बेसिस पे होगी। इसको आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जो है सितंबर मंथ के लिए, तो पूरे सितंबर मंथ में आप कभी भी से देख रहे हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। आप लोगों को पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी हो तो उसके लिए डिटेल स्क्रीन पर है, और ब्रेसलेट वगैरह बनवाना हो तो उसके लिए भी डिटेल स्क्रीन पर है। उसके अलावा स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप अनाउंस हो चुका है, 22 सितंबर को होने वाला है, लेकिन बुकिंग्स अभी शुरू हैं। तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो अभी बुकिंग कीजिए, बिकॉज ये बुकिंग जो है कुछ ही दिनों में, कुछ 4-5 दिनों के अंदर बंद कर दी जाएगी। तो अगर आपको अपनी सीट्स रजिस्टर करनी है तो आप जल्दी, जो दिया गया नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी दिया गया है, सेम नंबर ही है, उस पर आप व्हाट्सअप करें, डिटेल्स प्राप्त करें, पे करें, स्क्रीनशॉट भेजें, फॉर्म फिलअप करें और अपनी सीट जो है रजिस्टर करवाएं। ये एक ऑनलाइन वर्कशॉप होगा जिसमें आपको जूम कॉल पे जो है अवेलेबल रहना है। एक दिन का वर्कशॉप होने वाला है जिसको अटेंड करने से आपको काफी फायदे होंगे। आपकी लव लाइफ में अगर कोई स्टक सिचुएशन बनी हुई है तो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को राशि के अनुसार एक एक करके। अब बारी है कन्या राशि की। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए तीन घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी सेप्टेम्बर के मंथ में उनके लिए। मोरालिटी, हीलिंग, माइसर, बर्डन, प्लेफुलनेस, रिसेप्टिविटी, सोरो, शिज़ोफ्रेनिया, पार्टिसिपेशन, अनदर डेक। यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों के लिए तीन घटनाएं कौन सी है जो घटित हो सकती है, होने वाली है सितंबर के मंथ में। सितंबर के मंथ में कन्या राशि वालों के लिए तीन इवेंट्स, टेन ऑफ वॉन्स, एम्प्रेस, थ्री ऑफ वॉन्स। कन्या राशि वालों, सबसे पहली घटना रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, जो जरूरत से ज्यादा ओवरडू कर रहे हो, समझो करियर में आपके स्पेशली ये ज्यादा दिख रहा है कि जरूरत से ज्यादा ओवरडू कर रहे हो कि इसका भी मुझे खर्चा उठाना है, फैमिली को भी संभालना है, इसको भी संभालना है, उसको भी संभालना है, या बॉस को खुश करना है, उनके उन्होंने 10 का टारगेट दिया है, मुझे 20 पूरा करना है। तो ये इस महीने से चेंज होगा। इस महीने से आप ये सब करना बंद करोगे। इस महीने से आप अपना बैगेज उतार कर नीचे फेंकोगे, यानी कि अपने ऊपर चलता हुआ एक बोझ जो आप लेकर चल रहे हो सीने पे, होता है ना कि बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत मेहनत करनी है, दिन रात एक करनी है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, पागलों वाला एक होता है ना कि एनर्जी जो है यार ये कर देना है, वो कर देना है, फलाना वो, अचीवमेंट, जोश, जुनून, पागलपन, वो कहीं ना कहीं इस महीने ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप निकाल देंगे अपने अंदर से। आपको लगेगा यार जिसको जो करना है करो, करियर में जो होना होगा हो जाएगा, मेरे को उस चीज को लेकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेके मेरे लिए कुछ बदल नहीं जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सबसे पहला इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने वाले। कम्फर्ट जोन यानी कि आप समझो कि जॉब वगैरह चल रहा है, मजे चल रहे हैं भाई, जो है सुबह 9 से शाम के 7 तक की ड्यूटी चल रही है, मजे आ रहे हैं, फिर अपने घर चले जाओ, फिर वापस अगले दिन मॉर्निंग में आओ। हालांकि वो काम में मजा नहीं आ रहा है, पर यार सैलरी मिल रही है, सेफ अच्छी जा रही है, चलो सैलरी वैलरी है, ठीक ठाक है, सब मजे हैं, काहे को जॉब चेंज करूँ, काहे को रिक्वायरमेंट है ये सब करने की। तो इस महीने आपको लगेगा कि नहीं यार, आई नीड टू चेंज, मैं खुश नहीं हूँ उस जॉब में, मैं खुश नहीं हूँ इस काम में, मैं क्यों कर रहा हूँ सिर्फ एक परफेक्ट सैलरी लेने के लिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। आप छोड़ेंगे पता है क्यों? क्योंकि इस महीने हीलिंग की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। आपको लग रहा है कि यार मैं खुश नहीं हूं और मैंने अपने आप को खुश रखने के लिए कोई ऐसा प्रयास, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है, मैं सिर्फ जबरदस्ती लोगों की एक पुश से, लोगों के हिसाब से चल रहा हूं या चल रही हूं, सब मुझे जैसे नचाना चाह रहे हैं भाई, लोग मुझे बोल रहे भेड़ चाल में चलो, ये फलाना, ये टाइम से ये टाइम तक काम करो, तो मैं कर रहा हूं, बट क्या मैं उससे संतुष्ट हूं? मैं हूं ही नहीं, मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे कुछ आराम चाहिए, रिलैक्स होना है, मैं रिलैक्स ही नहीं हूं। तो आपको इस महीने की रियलाइजेशन इतनी आएगी जिसके वजह से आप अपने ऊपर जो इतना बड़ा बोझ आपके कंधों पे है उसे आप उतार कर बाहर फेंकते नजर आ रहे हैं कि नहीं चाहिए यार ये सब चीजें। सबसे पहला इवेंट आपके अंदर का बैगेज, जो बर्डन आप लेकर चल रहे हैं, आप उसे बाहर उठाकर फेंकेंगे, आप उस बर्डन को लेने से इनकार करेंगे कि नो मोर बर्डन, मुझे और नहीं चाहिए ये वजन, और मैं उठा नहीं सकता, इसका वजन बहुत ज्यादा है।
अब ये बहुत लोगों के लिए उनके करियर में ही है कि जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा सबको खुश करने में लगे हो, और आपको लगेगा कि यार अब हर किसी के लिए ये जरूरी नहीं कि जॉब छोड़ेंगे। बहुत से लोगों के लिए ऐसा है कि टारगेट जरूरत से ज्यादा पूरा करते हो, 10 से 20 करने की कोशिश करते हो। तो इस महीने ऐसे सोचो कि नहीं यार 10 ही हो रहा है, काफी है, मुझे 20 करने की जरूरत नहीं, मेरे को जितना बोला है उतना, मैं उससे ज्यादा मुझे क्या ही मिल जाना है। तो आप ओवर डू करना बंद करें, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी लव लाइफ और अपनी रिलेशनशिप में, ये सबके लिए मैं अलग अलग बताती हूँ, अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को एक स्पेस देंगे। एक स्पेस यानी कि ये वो टाइम होगा जहां पर आप एक वो एटीट्यूड रहता है ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम, आप उस एटीट्यूड में रहेंगे कि आ रहे हो मोस्ट वेलकम, कारपेट बिछाया है आ जाओ, नहीं आ रहे हैं इट्स ओके, जितना टाइम लेना है ले लो, इट्स ओके, मैं तुम्हें पुश नहीं करूंगी या पुश नहीं करूंगा। आपके अंदर का आकर्षण और ग्लो बढ़ रहा है, बेसिकली आप अपनी हीलिंग को करते नजर आ रहे हैं। आप इस महीने हील जरूर होने वाले, हीलिंग करेंगे अपनी। आपके अंदर ऐसा रहेगा कि ठीक है मैं जरूरत से ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे सकती या कुछ नहीं दे सकता, तुम्हें आना है। कल तक आप बहुत स्ट्रेस थे इस चीज को लेकर, वो मुझसे बात करेगा, मेरा पार्टनर मुझे प्यार देगा, या लेट्स से मैरिड हो तो मैरिज में यार मेरे को कुछ मिलेगा। इस महीने आप ऐसे हो जाओगे नहीं मिले नहीं मिले यार बाढ़ में जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैं परेशान नहीं होना चाहती, आएगा तो वेलकम, आएगी तो वेलकम, जाएगी तो भिड़कम। सिंगल हो तो मैरिज को लेकर बड़े कंसर्न रहे, टेंशन, शादी कब होगी, शादी कब होगी। इस महीने ऐसे हो जाएंगे यार भाड़ में गए, मुझे शादी वादी करनी ही नहीं, मुझे इतना सोचना ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ में अपने आप में आगे बढ़ूँ। आई एम नॉट सेइंग कि शादी नहीं करोगे, आई एम सेइंग कि आप उस चीज को लेकर ज्यादा संकोच करना, ओवर थिंकिंग करना बंद करोगे। आपको लगेगा कि नहीं यार जिसको आना है आ जाएगा, मैं अपनी जिंदगी में संतुष्टि का एहसास तो महसूस करूँ, मैं पीस ऑफ माइंड महसूस करूँ, मेरी जिंदगी में मैं खुश रहना चाहती हूँ और मैं सामने वालों को ज्यादा अब प्रेशर नहीं कर सकती, या मैं जबरदस्ती फोर्सफुली शादी नहीं कर सकती। तो इस महीने की सेकेंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में जिनके साथ भी हैं या सिंगल हैं, आप स्पेस देंगे, एक स्पेस जहां पर आप अपनी बाउंड्री तय करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि नहीं यार मैं बार बार उस स्ट्रेस को नहीं झेल सकती, नहीं झेल सकता, नाउ मुझे मेरे को ही ध्यान देना है, मैं अपने आप को ही फोकस करूंगा। फर्स्ट इवेंट बैगेज उतारेंगे, करियर में जो बोझ इतना स्ट्रेस लिया है उसे खत्म करेंगे। सेकेंड इवेंट रिलेशनशिप्स में स्पेस देंगे, या सिंगल है तो बोलेंगे यार शादी वादी आप इस चीज से फिलहाल मैं रेडी नहीं हूँ, बाद में करेंगे, ठीक है। तीसरी एनर्जी, तीसरा इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तीसरा इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस महीने जो है आप लोगों पर लाइक काम सौंपते नजर आएंगे। काम सौंपने का मतलब समझो कि अब तक ना आप सबका काम अकेले कर रहे थे, जैसे कि बच्चों का, अगर फॉर एग्जाम्पल आप हाउस वाइफ हो तो बच्चों का आप संभाल रहे हो, माता पिता को आप संभाल रहे हो, सबका, आप माता पिता को मेडिसिन देनी है, बच्चों को लंच बॉक्स देना है, अपना कुकिंग करनी है, पति को खाना खिलाना है, एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहे हो कि हाउस वाइफ हो अगर तो आप सबको कर रहे हो। लेकिन इस महीने आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि अपनी मेडिसिन खुद टाइम पे लो यार, मैं बार बार मेडिसिन आकर नहीं दूंगी, अपना लंच बॉक्स तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुम भी कुछ तैयारी करो, तुम फलाना भाई से बनवा लो, या मेरी सास बना ले जाके वो कर ले, या मेरी घर का कोई और मेंबर बनाए। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागोगे, बट आपका इस महीने ऐसे रहेगा ना जहाँ पर आप बोलोगे यार तुम लोग को भी तो काम करने की जरूरत है, मैंने अकेले क्यों ठेका लिया है सबका करने के लिए, मैं अकेले आखिर कब तक करूँ, मैं अकेले सबकी जवाबदारी मुझे क्यों उठानी है। जैसे अभी फ्रेंड्स ने कॉल किया सबके लिए आप अवेलेबल हो गए, लेकिन यही दोस्त आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होते टाइम पर। आपको आपके सिस्टर कॉल कर रहे हैं प्रॉब्लम में हैं तो आप अवेलेबल हो उनके लिए, लेकिन यही सिस्टर जब आप चाहते तो अवेलेबल नहीं। तो इस महीने आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी यार तुम्हारी परेशानियां तुम देखो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व करो, और घर में अगर साथ रह रहे हो तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठाओ। बर्तन अकेले मैंने नहीं धोने, तुम भी धो सकते हो, अगर मैन हो तो, दैट डजंट मीन कि तुम नहीं धोगे। और सेम अगर जॉब वॉब बिजनेस में एक ये चल रहा है कुछ, तो आप बेसिकली अपना पार्टिसिपेशन की एनर्जी में दिखा रहे हैं कि सब काम बांट लो, आप लोग अपना काम बांट लो और अब मिलकर करेंगे, या तो मिलकर करेंगे या तो कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि मुझे अकेले से उम्मीद मत। लोग आपके इस बदलते व्यवहार को देखकर शॉक्ड बहुत होंगे, लेकिन आपको ऐसा रहेगा कि यही है बस, ऐसी तरीके से मुझे बिहेव करना है, यही राइट है, क्योंकि अब तक मैंने सबको बहुत खाना खिला लिया अपने हाथ से। ये वो टाइम है जहां पर मैं नहीं बोलती कि मुझे आकर खाना खिलाओ, बट कम से कम अपना खाना खुद खाओ, ठीक है। सो ऐसे में लेट्स सी एडवाइस क्या है। पहली इवेंट आप अपने आसपास अपने करियर में, जैसे कोई बैगेज लेकर चल रहे हैं तो उसे उतारेंगे। अगला इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी हीलिंग कर लेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, आप जो है बहुत ज्यादा
जो जरूरत से ज्यादा एक होता है ना कि रिलेशनशिप में ओवरडू कर रहे थे वो खत्म करेंगे, आप सबको स्पेस देंगे रिलेशनशिप में, सिंगल है तो मतलब शादी को लेकर संकोच नहीं, इतना ये नहीं करेंगे सोच विचार। और थर्ड एनर्जी कि अपना अपना काम सब खुद करो, जरूरी नहीं है कि हर जगह मैं तुम्हें साथ दूं या मैं तुम्हारा ध्यान दूं, ठीक है। एडवाइस यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है सितंबर मंथ की। हैंगमैन नाइट ऑफ कप्स, आप जैसे जा रहे हो वैसे ही जाओ, एकदम परफेक्ट जा रहे हो बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी हीलिंग हो रही है, इट्स अ राइट वे, आप सही तरीके से सही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यूनिवर्स कह रहा है आप एकदम राइट हो, बस ऐसे ही पेशेंसली खुद को संभालो, सब चीजों को बैलेंस रखो। अपकमिंग इवेंट में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और लव आते नजर आ रहे हैं, स्पेशली लव जरूर आ रहा है, जिन लोगों ने आपको बहुत ग्रांटेड लिया है वो आपको वैल्यू करना शुरू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, जिन लोगों ने आपको हमेशा पीछे रखा, धक्के बार बार पीछे धकेला, वो लोग अब आपको आपकी वैल्यू आपकी कदर समझेंगे। बेसिकली सिंगल है तो ऑफर लव का आपको अचानक से आ जाएगा, अचानक से यू विल रिसीव अ गुड पर्सन, मतलब एक अच्छा ऑफर जो एक अच्छे व्यक्ति से आपको मिल जाएगा। बेसिकली यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहा है इस चीज के लिए बिकॉज आपने अपना कार्य पूरा करने का निर्णय ले लिया। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी रिप्रेजेंट हो रही है कि आप फाइनली अपने आप को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।